सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव करने वाले चुनाव आयोग के सभी 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव के लिए डिजिटल माध्यम से चुनाव कराने का फैसला लिया गया था, जिस पर कुछ सदस्यों की ओर से एतराज जताया गया था, जिस पर निर्धारित समय पर चुनाव होना संभव नहीं दिख रहा था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। इस्तीफा देने वाले पैनल के सदस्यों ने कहा है कि चुनाव के लिए पैनल के सदस्यों के नाते ड्यूटी निभाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हर साल अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव करता है। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव करने वाले चुनाव आयोग के सभी 3 सदस्यों ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। एससीबी चुनाव 2020-21 के लिए चुनाव आयोग के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता व अन्य 2 सदस्य हरिन पी रावल और नकुल दीवान थे। एससीबी हर साल अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव आयोजित करता है। बता दें कि एससीबी के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। इसके लिए लिखे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने आभासी चुनाव कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के लिए डिजिटल माध्यम से चुनाव कराने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ सदस्यों की ओर से एतराज के कारण निर्धारित समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है। यह भी कहा कि वह हालात को समझते हैं और ऐसे में उनका अध्यक्ष बने रहना नैतिक रूप से गलत होगा। यहां यह भी बता दें कि एससीबी के कार्यकारी सचिव रोहित पांडे को लिखे गए संयुक्त पत्र में आयोग के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने चुनाव का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कराने का फैसला किया है और इसके लिए डिजिटल फॉर्म NSDL से चर्चा कर रहे हैं। पत्र में NSDL के साथ हुए समझौते के मसौदे और इसके जरिए चुनाव कराने में आने वाले खर्च का भी विवरण है, जो 14 जनवरी को SCB के एग्जीक्यूटिव कमेटी को भेजा गया। इस्तीफा देने वाले पैनल के सदस्यों ने कहा कि चुनाव के लिए पैनल के सदस्यों के नाते ड्यूटी निभाना संभव नहीं है। पिछले साल 4 दिसंबर को SCB के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता की अध्यक्षता में चुनाव आयोग के गठित कराने का फैसला किया था, जो जनवरी के 2 सप्ताह में चुनाव का आयोजन करने वाली थी। बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने वर्चुअल चुनाव कराने का विरोध किया था और हाइब्रिड सिस्टम की बात की, जिसमें वकीलों को फिजिकली और वर्चुअली दोनों ही तरीकों से वोट देने की अनुमति हो। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव करने वाले चुनाव आयोग के सभी 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लेट भी हो सकता है। खैर, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव करने वाले चुनाव आयोग के 3 सदस्यों के इस्तीफे से चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.